ये कहानी है असली शेरशाह की, ये कहानी है आखिरी परमवीर चक्र की, ये दिल मांगे मोर को अमर कर देने वाली कहानी है, ये कहानी है करगिल के कैप्टन की, कैप्टन विक्रम बत्रा, 9 सितंबर 1974 की पैदाइश, करगिल वॉर के दौरान मोर्चे पर तैनाती, बढ़ी हुई दाढ़ी में ये जवान जिसने करगिल के 5 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जीतने में मेन रोल निभाया, जोश से भरा हुआ, सबका चहेता, परम वीर चक्र पाने वाला आखिरी आर्मी मैन, वो फौजी जिसने मरने से पहले अपने बहुत से साथियों को बचाया और जिसके बारे में खुद इंडियन आर्मी चीफ ने कहा था कि अगर वो जिंदा वापस आता तो इंडियन आर्मी का हेड बन जाता। विक्रम बत्रा ने करगिल के युद्ध में देश के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। युद्ध के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी को नमन करते हुए उनको सेना के सर्वोच्च सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ। उन्होंने अपने सैन्य जीवन की शुरुआत 6 दिसंबर 1997 को भारतीय सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल से की थी और घटना उन दिनों की है जब भारतीय सेना और आतंकियों के भेष में आए पाकिस्तानी सेना के जवानों के बीच करगिल में युद्ध चल रहा था। कमांडो ट्रेनिंग खत्म होते ही लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की तैनाती करगिल युद्ध क्षेत्र में कर दी गई। 1 जून 1999 को अपनी यूनिट के साथ लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने दुश्मन सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। प्रारंभिक तैनाती के साथ लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने हम्प और रॉक नाप की चोटियों पर कब्जा कर दुश्मन सेना को मार गिराया। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की सफलता के बाद सेना मुख्यालय ने उनकी पदोन्नति कर कैप्टन बना दिया। प्रमोशन के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रीनगर लेह मार्ग के बेहद करीब 5140 पॉइंट को दुश्मन सेना से मुक्त करवाकर भारतीय झंडा फहराने की जिम्मेदारी दी गई। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने अद्भुत युद्ध कौशल और बहादुरी का परिचय देते हुए 20 जून 1999 की सुबह करीब 3:30 पर इस पॉइंट पर कब्जा जमा लिया। 5140 पॉइंट पर तिरंगा फहराने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजे गए संदेश ने उन्हें देश में नई पहचान दिलाई थी। ये संदेश था, दिल मांगे मोर। 5140 पर जीत हासिल करने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा को 4875 पॉइंट पर भारतीय तिरंगा लहराने का लक्ष्य दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट अनुज नैयर और लेफ्टिनेंट नवीन समेत अन्य साथियों के साथ अपना अगला लक्ष्य हासिल करने के लिए निकल पड़े। आतंकियों के भेष में मौजूद पाकिस्तानी सेना से आमने सामने की लड़ाई जारी थी। दोनों तरफ से लगातार गोलियों की बौछार हो रही थी और इसी दौरान लेफ्टिनेंट नवीन के पैर में गोली लग गई। दुश्मन ने लेफ्टिनेंट नवीन को निशाना बनाते हुए लगातार फायरिंग शुरू कर दी और अपने साथी की जान बचाने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा दौड़ पड़े। वो लेफ्टिनेंट को खींच ही रहे थे तभी दुश्मन की गोली उनके सीने में आ लगी। मां भारती को नमन कर ये लाल अपनी मां को छोड़ भारत माता की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम शेरशाह था और कैप्टन विक्रम बत्रा के अदम्य साहस और पराक्रम के लिए 15 अगस्त 1999 को उन्हें वीरता के सर्वोच्च सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। विक्रम की शहादत के बाद 0.4875 चोटी को बत्रा टॉप का नाम दिया गया। दोस्तों, हमारे अगले वीडियो में हम विक्रम बत्रा की प्रेम कहानी के बारे में भी बताएंगे कि कैसे विक्रम ने अपनी गर्लफ्रेंड की मांग में अपना खून भर दिया था और उनकी शहादत के बाद उनकी प्रेमिका ने किसी से शादी करने की बजाय अपनी पूरी जिंदगी विक्रम की यादों में बसर कर रही है।